नमस्ते बीजे रेसिपी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा कुछ देसी स्टाइल से, तो चलिए फिर बनाते हैं। तो देखिए, जे हमने गाजर ली, इसको ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है। तो ये देखिए, अब मैं आज मैं ना देसी स्टाइल से आपको गजरेला बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने ने जे लिया है गुड़ एक बड़ा चम्मच देसी की, और ये गाजर जे मैंने ग्रेट कर ली है। तो चलिए आइए बनाते हैं फिर। तो चलिए, एक फ्राई पैन में मैं देसी घी ऐड करूंगी। अब इसमें ग्रेट करूँगी गाजर डाल दूँगी मैं सारी। तो ये देखिए, मैं अच्छे से इनको मिलाऊंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो चलिए आइए देखिए। तो ये देखिए, अच्छे से हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये पक जाए, और जो इसमें पानी था ना तो वो भी सूख जाए। जब पानी सूख जाएगा तो हमारी ये जो गाजर है ना, तो वो बन जाएगी। तो फिर हम इसमें जो जो ऐड करना है वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो चलिए, मैं बाद में दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब हम इसमें ना चीनी की जगह तो गुड़ ही डालेंगे। तो मैं इसको ना एक नाइफ सी हेल्प नाइफ की हेल्प से ना इसको बारीक बारीक ऐसे काट लूँगी इसको। तो पूरा काट कर मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस गुड़ को ना मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो देखते हैं हमारी जो गाजर है वो कितनी बनी है। तो ये देखिए, हमारी गाजर भी बन रही है, काफ़ी बन गई है। अभी थोड़ी सी कमी है, 2 मिनट और करेंगे हम इसको। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारी गाजर अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। तो चलिए डालते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये देखिए, मैं कंडेंस्ड मिल्क इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए, कंडेंस्ड मिल्क मैंने डालकर अब इसको ना अच्छे से इसको लाऊंगी मिक्स, ताकि ये गाजर में ना ऑब्जर्व हो जाए। तो ये देखिए, अब मैं किशमिश इसमें डाल दूंगी। तो मैं ये ना जैगरी भी इसमें डाल दूंगी। ये देखो, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप डालोगे। तो हमें तो मीठा ज़्यादा पसंद है ना, तो हम तो ये मैं ना इसमें एक पूरी गुड़ की जो पेसी नहीं होती वो डालूंगी। तो ये मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए, गुड़ ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये पानी हम अच्छे से पूरा सुखाएंगे। तो मैं बाद में दिखाती हूँ, जब थोड़ा पानी और सूख जाएगा ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है ना। तो ये देखिए, पानी जो है ना सूख रहा है। तो गजरेला हमारा बनने ही वाला है बस। तो ये देखिए, अभी थोड़ा सा हम ना और सुखा लेंगे इसमें पानी। तो अभी मैं पूरा पानी सुखा कर ना इसका फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पास से देखिए, ये देखिए हमारा गजरेला जो बनकर तैयार है। अगर ये देखिए, पानी पूरा इसमें ना, जिसमें पानी सारा सूख गया। तो अब हमारा गजरेला है ना जो बनकर देखिए तैयार हो गया। ये देखिए, ये देखिए, इसने ना अभी घी छोड़ दिया है, तो इससे पता चलता है कि हमारा गजरेला तैयार है। तो आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए हमारा गाजर का हलवा तैयार है बनके। तो आप भी ऐसे बनाना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।